सर, हो गया है उसका भी माइक थोड़ा सा इसको कर यार से सर वो कर सकते ये हैं इसको नहीं ये क्यों आ रहा है तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आती है बट ये ऐसे आ रहा है इसको मिनिमाइज यहाँ ये तो बाकी इसको हाइड कर है ना बस ठीक है ना हाँ जी बेटा यस नाउ आई एम ऑडिबल चलो वी विल स्टार्ट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या होता है अगर आपने सबसे पहले हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्यों उनको इनिशिएटिव देते हैं कि आपने दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज फॉरन कंट्रीज कंपल्सरी है ये आपका फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन आपका इससे होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसकी ग्रोथ जल्दी होगी फास्ट होगी अगर आपने आप सम टाइम इफ यू हैव सीन स्मॉल किड्स अगर कोई बच्चा आराम कोई कहीं आप खेलने जा रहे हो गेम पीरियड है आपका ठीक है वो बच्चा आराम से बैठा है कोई वर्क नहीं कर रहा है तो इट मीन्स क्या है वो कहीं ना कहीं बीमार है अदरवाइज चिल्ड्रंस में सरप्लस एनर्जी होती है वो अगर आप जब तक भागोगे नहीं खेलोगे नहीं रनिंग जंपिंग एंड थ्रोइंग ठीक है दिस इज द बेसिक दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना ये आपके इनबॉर्न क्वालिटी होती है बाय बर्थ कि जो बच्चा होगा वो कभी भी आप उसको यहाँ से सामने भेजोगे वो सीधा नहीं जाएगा आप उसको 10 बार समझा के भेज दो छोटे बच्चे को कि बेटा आपने यहाँ से गेट तक जाना है वॉक करके जाना है भागना नहीं 101% वो बीच में भागेगा कभी भी आपने देख लेना किसी छोटे बच्चे को आप 10 बार समझा के भेज देना कि बेटा आपने वॉक नहीं करना सामने तक आराम से जाना है क्यों वो एक नेचुरल टेंडेंसी है आपकी फिर क्या होगा कोई चीज मिल गई उसको थ्रो करना छोटे बच्चों में ठीक है कोई चीज पत्थर मिल गया उसको फेंक देना है कोई चीज जैसे ये स्टेयर है वो सीधे नहीं जाएंगे स्टेयर के ऊपर से जाएंगे जंप मार देंगे ठीक है रिसेस में भी आप देखते हो ना कितनी बार अनाउंसमेंट करते हैं कि ऊपर नहीं जाना जंप नहीं करना है तो सबसे पहले यही भागता है रिसेस में ये क्यों दिस इज योर सरप्लस एनर्जी अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे चैनलाइज नहीं करेंगे वो तो आपकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो लगेगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेन जो आपका होता है हमारा बच्चों का मेन मोटिव की हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइड बाय साइड अर्ली स्टेजेस में बहुत फास्ट होती है बच्चों में ठीक है वही एनर्जी करके अगर हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं उनको प्रॉपर कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई अच्छा टैलेंटेड बच्चा है ठीक है किसी में बहुत अच्छा टैलेंट है वी चैनलाइज दैट एनर्जी ऑन अ स्पोर्ट्स उसको 2-3 घंटे 4 घंटे हम फिजिकल एक्टिविटीज दे रहे हैं तो उससे क्या होगा वो एक तो उसका एनर्जी चैनलाइज हो रही है प्लस वो उस गेम की मास्टरी करने में बहुत आपको एक हमारे स्कूल में लड़की है छोटी अब तो 2nd-3rd में हो गई है उसको भी पीछे DC से प्राइज मिला था बेस्ट अपकमिंग यंगेस्ट स्विमर ऑफ पंजाब ठीक है तो वो सारा दिन उसको जो मर्जी आप एक्सरसाइजेस करा दो उसके फादर साहब वो परेशान हो गए हैं 1.5-2 साल से जब से घर में लॉकडाउन है भी इसको मैं कराऊँ क्या कराऊँ वो रोप में चढ़ जाती है ठीक है रोप में चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और आप उसको सीटअप्स जितने मर्जी करा लो पानी के अंदर उसने पीछे पता नहीं कितने 100 के 1000 सीटअप्स किए
तो दैट इज अ सरप्लस एनर्जी। ऐसी जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बहुत एक वास और बड़े अच्छे लेवल का आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तभी आपका टैलेंट आगे काम आता है, जहाँ पे आपको सारा दिन सिखाने वाले, खिलाने वाले, आपकी डाइट सारा रखें। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद क्या, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जो कोई भी रूटीन में आप फिजिकली जो फिट है, उससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस कम होगा, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, ठीक है। जो आदमी सुबह उठ के अपना वर्कआउट कर रहा है, अपना काम कर रहा है, रूटीन में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपने आप ही वो हाईली कॉन्फिडेंस वाला आदमी सेल्फ मोटिवेट होगा। अगर आप सुबह उठते ही सुस्ती पा के रखोगे, ठीक है, उठोगे लेट, जल्दी जल्दी सारा काम करोगे, तो सारा दिन आपका वही लेजी, जो अर्ली वेकअप होके अपना फिटनेस करते हैं, अपने को फ्रेश करते हैं, स्कीपिंग जो भी वर्ड्स एवर यू आर डूइंग, वो सारा दिन दे फील फ्रेश, दे फील, उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। एज पर जो सुस्त आदमी होता है वो सारा दिन ऐसे ही रहेगा, उसकी शक्ल से ही लग रहा है भी क्या ये सुबह हुआ है, ठीक है। जो अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो आपको बॉडी, उसका जो बॉडी पोस्चर ही आपको बता देगा कि कैसा है। सेकेंड, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपका अट्रैक्टिव होता है। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रूटीन वर्क कर रहे हो, अपना फिजिकल फिटनेस करते हो, इट विल बी एनहांस योर बॉडी पोस्चर, ठीक है। उसका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, उसका सीटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग पोस्चर अच्छा होगा। होता है ना मेन, कई बच्चे ऐसे हो बैठे होते हैं, बहुत देखना आपने, खड़े होंगे तो ऐसे खड़े होंगे, सीधे स्ट्रेट कम होंगे, तो दैट इज़ योर बॉडी पोस्चर। द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर सीटिंग, स्लीपिंग, ये सारा आपका बॉडी पोस्चर में आ जाता है। और बॉडी पोस्चर आपका मेन होता है, आपका बॉडी पोस्चर, अगर आपका सीटिंग पोस्चर ठीक नहीं है तो व्हाट हैपन, ये आपको डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। फिर आपकी बॉडी पोस्चर की डिफॉर्मिटीज हैं जो स्पाइनल से रिलेटेड है, आपके बॉडी से रिलेटेड है। वही हैबिट अगर आपकी छोटे होते से आपकी हैबिट ऐसी हो गई है, इफ़ यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग बाय ऑन बेड पे, लाइंग पोजिशन पे आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो आपका बॉडी पोस्चर वैसा हो जाएगा, ठीक है। आपका अगर इक्विपमेंट, आपका फर्नीचर प्रॉपर नहीं है, बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, तो दैट इज विल बी हार्मफुल। आपने कहीं देखा होगा ना, कईयों के शोल्डर ऐसे आगे को आ जाते हैं, कई का ऊपर से ऐसे हल्का, जिसको हम बोलते हैं राउंड हो जाता है काम, दैट इज मोस्टली इन वुमेन ऑफ ओल्ड एज एंड दोज वर अ वेरी टॉल, जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो उनका थोड़ा बहुत लिटिल बिट राउंड शोल्डर हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफॉर्मिटीज आपके बॉडी पोस्चर से भी आ सकती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट, इसमें यू कैन अवॉइड अर्ली एजिंग, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी, कई लोग ऐसे होते हैं अपने टाइम से पहले ही ओल्ड लगते हैं, एज लगते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आपके ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तो नेचुरली क्या होगा, यू डिलेड योर एजिंग, जो आपको 10 साल पहले काम है वो आपको और डिले कर लेगा एजिंग का। तो इट विल एनहांस योर, डिले योर एजिंग प्रोसेस है, उसको डिले करता है। देन योर मसल्स एंड बोन्स, वो पूरे स्ट्रांग इंटैक्ट रहते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर मसल एंड बोन, अगर डेली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके जो मसल्स होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे, मसल टोन अप रहेंगे, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, आपके बोन में भी स्ट्रेंथ होगी। आपका जो डाइट है वो अच्छा, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो नेचुरली आप अच्छी डाइट लोगे, ठीक है ना। अगर आप कहीं जोर लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, काम कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको भूख भी लगेगी, ठीक है, आप खाना भी खाओगे। फिर आपको ये पता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, ठीक है, आपको वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट, प्रोटीन्स, जो सारी डाइट्स होती हैं, तो आप उसको प्रॉपर इनटेक करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका मसल्स, बोन, आपके जितने ऑर्गन्स हैं, दे विल वर्क प्रॉपरली। जितने आपके कितने सिस्टम बॉडी में होते हैं, सारे 8-9 जो सिस्टम है आपके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया आपका, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम बॉडी के आपके इंटैक्ट रहते हैं। अगर आप डेली वर्कआउट करते हो, डेली आप एक्सरसाइज करते हो, आपको मैंने कल भी बताया और मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज। अगर आप किसी मशीन को भी वो इन क्रोर्स की है, उसको नहीं चलाओगे ना 10 महीने तक, तो क्या होगा, हाँ, वो बड़ी से बड़ी मशीन जो बनी होती है वो भी आपकी चलेगी नहीं, जंग लग गया, खराब होगी, उसमें
नेचुरली सेम आपका बॉडी से, अगर अपनी बॉडी का आप यूज नहीं करोगे, इससे कोई बेनिफिट नहीं लोगे, इसको कोई काम नहीं करवाओगे तो क्या होगा, नेचुरली आपका इसका साइड इफेक्ट बनेंगे। और देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल, जो लोग हैं ना सारा दिन, कई ऐसे हैं जो सारा दिन बैठे हैं बेड पे या टीवी देख रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। और मोस्टली लेडीज, व्हाट हैपन नाउडेज, घर पे काम वाली आती है, खाना बना रही, झाड़ू पोछा सारा, कपड़े बर्तन। तो लेडीज क्या है, टीवी लगा है, अपने बैठे हैं, खा रहे हैं सेम पोस्चर में, और बहुत सी प्रॉब्लम क्या आपको स्पाइनल से लेके बैक एक हो गई है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, क्योंकि आप हिल ही नहीं रहे हो। और सेम आपका आने वाली जनरेशन का हाल है बच्चों का, आप लोग कहीं भाग नहीं रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, साइकिल नहीं चला रहे हो, ठीक है, सीधा एक्टिवा पे आ रहे हो जा रहे हो, तो इट विल बी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ये आपके सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका जो आज की डेट में मेन चीज़ है, स्ट्रेस, डिप्रेशन। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो 100% आप स्ट्रेस फ्री होगी। जब आपका माइंड बॉडी फ्रेश होगी, आप फालतू किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दोगे। जो आदमी बेला होते हैं ना, वो ज़्यादा सोचता है, कोई काम नहीं करेगा। अगर इफ़ यू हैव अ टाइम, इफ़ यू हैव अ स्पेयर टाइम आफ्टर योर स्टडी, आफ्टर योर वर्क, प्रोफेशन, जो भी आप काम कर रहे हो, स्ट्रेट वे इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी जिम या आप घर पे ही करते हो, तो आपका माइंड वहीं डाइवर्ट हो जाएगा अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए। तो आपको फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे आप, ठीक है, जिससे अब आप नेचुरली फ्री बैठे हो तो आप ये सोचोगे कल मैंने क्या करना है, मेरा बिजनेस कैसा है, मेरा काम ठीक नहीं है, वो बंदा सोचता रहता है अपनी चीज़ें। आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, फिट हो, फ्रेश हो, नेचुरली डिप्रेशन आपसे कहीं दूर हो जाएगा। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, कि हाउ यू कॉप अप विद द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। देन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हो। आपको अपने आप में भी लगेगा कि मैं बहुत फ्रेश हूँ, ठीक है, जब आप वर्कआउट करके आते हो या आप जब पढ़ते हो ज़्यादा, तो अपने आप लगते हैं ना आपको, यू फील, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस एक होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हो आप कि नहीं मैंने आज इतना काम किया, ठीक है, या आपके मार्क्स जब अच्छे आते हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो कि नहीं मैंने अब और अच्छा करना है। तो वो चीज़ें आपको बहुत काम आती हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, इट विल हेल्प इन वेट कंट्रोल, जो आजकल सबसे मेन है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, मेन रीज़न जो आपका डायबिटीज़ का, दैट इज़ ओवरवेट। नेचुरली इफ़ यू आर डूइंग डेली एक्सरसाइज, तो आप अपना बॉडी के वेट को कंट्रोल में रख सकते हो। इट विल हेल्पफुल इन योर डिफरेंट स्टेजेस। सिंपल है, अगर आप ओवरवेट हो गए आप कोई काम नहीं कर सकते। होता है ना ओवरवेट जो आदमी होगा, वो इवन अपने लेसेस नहीं बांध सकते हैं। और ऐसे बहुत बच्चे हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ो, हमारे स्कूल में भी जब हम वेट करते थे ना, आप लोगों का भी करते होंगे 9th-10th में वेट हाइट, तो 100 से ऊपर वाले बच्चे बहुत हैं। कैन यू इमेजिन कि एक बच्चे का स्कूल में वेट 100 से ऊपर है, तो दैट इज़ ओवरवेट। वो क्यों होता है, आपका जो लाइफ साइज है उससे आपका खाना ज़्यादा है, बैठ के काम कर रहे हो। और आज की डेट में जितने भी मल्टीनेशनल्स में बच्चे लगे हैं, ठीक है, जिनका 8-8, 10-10 आवर्स ओनली सीटिंग वर्क है, तो उससे क्या होता है, आप बैठे हो सारा दिन, खा के खाया, फिर बैठ के खा गया, फिर बैठ लिए, आपके फिंगर्स बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर में लगे हैं सारा दिन, ठीक है। देन योर स्पॉन्डिलाइटिस, देन योर बैक पेन, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, देर इज़ अ वन डिफॉर्मिटीज, दैट इज इन स्पाइनल कर्वेचर, उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। मीन्स ये जो आपका शोल्डर है वो पीछे चल जाता है, आपका टम्मी, स्टमक, वो आगे आ जाता है। ये सारा दिन जो बैठे हैं आप, चेयर पे बैठे हो, आप सीधे भी नहीं आप बैठ सकते हो 8-10 घंटे, तो वो कैसे ऐसे लेट जाते हैं, चेयर्स आपको पता है रिवॉल्विंग आजकल चेयर्स हैं, कंफर्टेबल है, पीछे अपने शोल्डर रखा है अपने बैठे हैं, तो वो उनका बॉडी पोस्चर वैसा डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर आपका बॉडी कंट्रोल में, आपका वेट कंट्रोल में है, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने देखना, अपने लेसिस नहीं बांध सकते, तो पहले कहीं बैठेंगे, फिर जाके उसको पैर को ऊपर रखेंगे, फिर बांधेंगे, दैट इज़ ओवरवेट। जो आपके यहाँ पे जितने भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो फैट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको बैंड नहीं होने देगा,
ठीक है, जिसके भी यहाँ पे, और ये मेन पोर्शन होता है जहां से आपको एकदम वेट गेन करते हो आप, जो आपका फैट्स होते हैं। और इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, दैट इज सिटअप्स। अगर आप सिटअप्स करोगे तो ये आपका मतलब कि विद इन नो टाइम, रेगुलर अगर सिटअप्स करते हो तो आपके सारे ये फैट्स यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि सिटअप्स में भी डिफरेंट आपकी एक्सरसाइज होती है, एक सिंपल है जब आप रूटीन में कर रहे हो, तो फिर उसके बाद एडवांस स्टेजेस आती हैं, फिर स्टेजेस और ऊपर आ जाती है, उसके बाद हम वेट के साथ कराते हैं। पहले सिंपल करोगे, फिर साइडवेज ऐसे करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको रेज कराएंगे लेग्स को, मतलब देर इज ए 5-6-7 डिफरेंट स्टेजेस, डिफिकल्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद विद मेडिसिन बॉल, मेडिसिन बॉल पता है ना क्या होती है, एक बॉल होती है लेदर की, उसको हम यूज करते हैं ट्रेनिंग में, ठीक है, ट्रेनिंग में उसको यूज करते हैं, उसको पकड़ के आप, उसका वेट होता है, डिफरेंट वेट होता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ट्रेनिंग शेड्यूल। तो आप उसको यूज करके, ठीक है, ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों से, वो एडवांस ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। जैसे आपने, आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखिए मिल्खा सिंह वाली मूवी, वो रनिंग करते हैं ना ऐसे टायर बांध के, यहाँ पे पता याद है ना, पीछे टायर है उसको बांध देते हैं वेस्ट पे। तो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर स्पीड। स्पीड आपकी एक जेनेटिक होती है, हेरिडेटिकली होती है, आपके जो फाइबर मसल्स में जो स्लो ट्विच फाइबर मसल्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स होते हैं, टू टाइप ऑफ फाइबर्स इन योर बॉडी। जिसके स्लो ट्विच फाइबर मसल्स बॉडी में रेशो ज़्यादा होती है, दैट पर्सन इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, ठीक है। जिसके फास्ट वाले होते हैं तो वो आदमी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू सारा काम चलता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल है आज की स्पोर्ट्स में। आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, कुछ भी करना है, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का बड़ा रोल है। अभी भी आपको पता है वो लेटेस्ट चल रहा है, जो सिल्वर मेडल लेके आई है हमारी वेट लिफ्टर, और जो गोल्ड जिसने लिया है उसका डोप टेस्ट होना है, उसको उन्होंने डोप टेस्ट के लिए बोल दिया। यू नो व्हाट इज डोप टेस्ट? डोप टेस्ट नहीं पता है? हाँ, कोई ड्रग्स तो नहीं आपने यूज की है, ठीक है। आपका बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है, और वो आपका ओलंपिक या एशियन गेम, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वहां पे सारी ये बैंड है। IOC, IOA, इन्होंने सबने आपको एक बताया होता है कि ये मेडिसिन, डॉक्टर्स को पता होता है कि दिस इज बैंड। इवन इफ यू आर यूजिंग दिस कोल्ड मेडिसिन, कोल्ड की किसी ने अपनी मर्जी से कोई खा ली, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होता है कि आपने नहीं लेनी है, तो वो भी आपका डोप टेस्ट में आ जाएगी। स्टेरॉइड्स सुने ना, ड्यूराटिक्स, नार्कोटिक्स, ये बहुत से ऐसे हैं जो यूज करते हैं। जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है तो वो क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, जहाँ स्ट्रेंथ की जरूरत है, जहाँ पे आपको क्या है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के आपके ड्रग्स हैं। उससे क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल स्टील हो गया। जैसे आप शूटिंग कर रहे हैं, आर्चरी कर रहे हो, वहाँ पे पूरी ऐसे कंसंट्रेशन चलनी है ना, अगर हल्का सा भी इतना तो बहुत है, ऐसा भी हल्का हिल जाए तो आपका टारगेट से कितना पीछे चल जाता है। तो वहाँ पे वो यूज करते हैं सच टाइप ऑफ ड्रग्स। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट इज यूज बाय द एथलीट इन वर्ल्ड लेवल। आगे क्या होता था, जब ये स्टार्ट हुई थी तो किसी को पता नहीं था, तो व्हाट हैपेंड, सब चलते गए। नाउ देयर इज ए एंटी ड्रग टेस्ट बॉडी, एक एसोसिएशन है, वो सारा इस पे नजर रखती है, देखती है, और एनी टाइम दे कैन टेक द ब्लड सैंपल ऑफ दैट एथलीट ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये नहीं कि आपने भी गोल्ड ले लिया, यू एंजॉय, ठीक है, किसी ने पूछा नहीं, महीने के बाद भी ले सकते हैं, वो सारा आपका निकाल देंगे पीछे के कई महीनों के, आप यू आर यूज टू और यू आर टेकिंग। जैसे आपने देखा होगा ना सम हाईली प्रोफाइल केसेस, उसमें देखा होगा जो आपके बॉम्बे में कौन था, वो एक्टर का केस था, उसमें बड़ा इनका डोप टेस्ट कराओ, इनका मैप रीडिंग, माइंड रीडिंग कराओ, माइंड रीडिंग करते हैं, माइंड को भी मैप बना के पूरा रीड करते हैं साइकेट्रिस्ट, आजकल तो बहुत एडवांस काम है, वो आपको ऐसा कर देंगे, आप सब कुछ बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है ना।
ये सारी चीजें जो चीजें इसमें बैन है वो आप अगर यूज करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई फॉर एवर और फॉर 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स भी हो गया तो वो खत्म है, उसका कैरियर तो खत्म है एथलीट का। 5 ईयर तक तो पता नहीं कहाँ से कौन कौन नए नए आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये सारे आपको इम्पोर्टेंस है जो मेन है इसमें, आपको कौन कौन सी है आप इसके अलावा कोई आप बोल सकते हो, यू कैन राइट। ऐसा नहीं कि आपने यही लिखनी है। याद रहेगी अब कौन कौन सी कितनी होगी, क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोला है, कोई बोल दो, दो एक ऐसी बस लर्न हो जाएगी। हाँ जी, इम्पोर्टेंस जो पूर्ण मैंने आपको बताई है। आप बताओ एक दो। सेल्फ मोटिवेटेड, डिले इन एजिंग, ठीक है, एजिंग को डिले करते हैं, आपके ऑर्गन फंक्शंस को, मसल्स को, बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, आपकी फटीग को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होते हो, गुड पोस्चर आपका होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होता है, हर चीज़ के बेनिफिट ही हैं, आप सब कुछ लिख सकते हो, जितने मर्जी पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज क्लियर रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। देन नेक्स्ट आपका है वेलनेस, वेलनेस सेम आपके वही पोजिशन है, अगर वेलनेस में आप क्या कर सकते हो, वेलनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। वेलनेस में आपका क्या मैंने बताया था, इट इज ए फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल एंड सोशल, तो इससे क्या है यू ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी, नॉट ओनली फिजिकल दैट इज मेंटल आल्सो, ठीक है। आप सोशली कैसे एडजस्टेबल अपने आप को कर सकते हो, ह्यूमन इज अ क्या है सोशल एनिमल, ठीक है, आपको सोसाइटी में आना बैठना उठना आना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन का मेन क्या मोटिव होता है कि वन शुड बी अ फिजिकल फिटनेस तो हमारा है ही है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, एंड वन शुड बी अ गुड सिटीजन आल्सो, ठीक है। ये नहीं आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे हो पर आपको सोसाइटी में आस पड़ोस में बैठना नहीं आता, तो इट इज ऑल्सो है मेन आपका पॉइंट आपका होता है, ठीक है। इससे हम क्या वेलनेस क्या है, हम इम्प्रूव करते हैं अपनी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को, ठीक है, एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव होती है, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब वी आर टेकिंग डेलिबरेटरी अटेम्प्ट टू गेन फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ, तो हम क्या करते हैं, जब हमने हर चीज़ों को जो कहने का मतलब है जो बुरी चीज़ें होती हैं जो बैड हैबिट्स हैं हम उसको छोड़ देते हैं और अच्छी चीज़ों को हम ले लेते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ नेचुरली इम्प्रूव होगी, ठीक है। देन आपको सोसाइटी में आपको रहना उठना यू इम्प्रूव सोशली, देखो आदमी अब आपने देखा ना स्पोर्ट्स वाले हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एकदम सोशली एडजस्टेबल क्यों हो जाते हैं, उनको आप कहीं भी ले जाओ दे विल ईजली एडजस्ट, चाहे कैसा एनवायरमेंट आपका हो, कैसे लोग हो, कैसा सिस्टम है, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू रिप्रेजेंट योर टीम इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट इन अ डिफरेंट पीपल्स, वहाँ का खाना पीना डिफरेंट होता है, तो अगर आपको एडजस्ट करना नहीं आएगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो वन शुड बी अब सिंपल है, आप टीम में खेल रहे हो 11 की टीम है, आप सोचेंगे कि मैंने अकेले ही गोल कर देना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोऑर्डिनेशन टीम का होगा, आपको पास मिलेगा, आप भागोगे जाओगे फॉरवर्ड बैकवर्ड सारे प्लेज होते हैं, इट इज़ ए कोऑर्डिनेशन गेम स्पोर्ट्स, अकेला कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल गेम होती है जहाँ आप अकेले खेल रहे हो, बट वहाँ पे भी आपको यू नीड अ हेल्प ऑफ योर कोचिज योर टेक्निकल पर्सन्स, ठीक है, जो टेक्निकली आदमी बैठे होते हैं वो आपको गाइड करेंगे आपने ऐसा करना है ऐसा खेलना है। आप अभी ओलंपिक देख रहे हो ना, ये बॉक्सिंग है टेबल टेनिस है इंडिविजुअल जो भी मैचेस होते हैं वो पीछे से बोलते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं, आप ऐसा करो ऐसा मारो उसको वो उसका ये चीज़ स्ट्रांग है आप ऐसा करो। एंड इन हॉकी फुटबॉल यू हैव सीन दे आर सीटिंग विद द लैपटॉप्स, वो वहाँ से मूव बनाते रहते हैं कि इसका राइट विंग स्ट्रांग है इसका लेफ्ट है,
इसको सेंटर से अटैक करना है, हमारा प्लेयर जो राइट विंग का वो ज्यादा स्ट्रांग है, हम वहां से उसको काउंटर अटैक करें. तो इट इज अ वेरी वेरी वास्ट प्लानिंग स्पोर्ट्स. ये नहीं है, लोग सोचते हैं ना कि स्पोर्ट जाके खेल लिया कर लिया, इट इज अ वेरी इजी जॉब. नो, इसमें आपको 8-8, 10-10 घंटे ग्राउंड में सुबह से शाम लगाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस. सबसे मेन चीज है जो आज की डेट में स्पोर्ट्स इंजरी, अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो उसका पूरा आपका एज ए प्रोफेशनल कैरियर खत्म है. तो कोचिस का, टीम मेट्स का मेन जो मोटिव होता है कि हाउ वी हैव टू सेव दैट पर्टिकुलर एथलीट, जो आपका बहुत अच्छा एथलीट है, आपने उसको लोड भी देना है, एक्टिविटी भी करवानी है, पूरा जोर भी लगाना है, बट सेम वे यू हैव टू कीप आई ऑन द अदर पार्ट, दैट इज इंजरी. ठीक है, वो चीजें बहुत जरूरी हैं. आपने देखा होगा कईयों के कैरियर खत्म हो गए हैं स्पोर्ट्स में इंजरीज होके. ठीक है, कई आपका रॉन्ग वे ऑफ योर ट्रेनिंग जो स्टार्टिंग में होता है, जब बच्चों को नहीं पता. इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर अ नेशनल टीम देन देयर इज अ हाईली क्वालिफाइड कोचेज आर देयर, वेरी गुड स्टाफ, दे आर ऑलवेज विद देम. उनका फिजिकल फिटनेस, इवन व्हेन देयर इज नो कॉम्पिटिशन, दे आर कीप ऑन आईज ऑन पर्टिकुलर फिटनेस. अगर आपका अभी ओलंपिक हो गया ना, इट मींस कि ये नहीं कि आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खत्म होगी, आप ओलंपिक खेल के आ गए हो, मेडल ले लिया नहीं लिया, दैट्स ऑल. उसके बाद आपको एक रिक्रिएशनल पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. आफ्टर दैट फिर आपका वहां से दोबारा शुरू हो जाता है फॉर द टारगेट ऑफ नेक्स्ट ओलंपिक. तो ये सारी चीजें फिटनेस की, फिटनेस पे ही है सारे गेम आपकी. ठीक है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर. अपनी फाइलें बेटा अपनी चेक करा.